नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। आज अंतिम दिन अयोध्या के केस में फैसला, जो बहस चल रही थी, लंबे दिनों से बहस चल रही थी, लगभग 40 दिनों से बहस चल रही थी और अंततः आज बहस पूरा कर लिया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, जो कि विश्व हिंदू परिषद से भी नाता रखते हैं, और उनसे हम जानेंगे कि आखिर इनको क्या लगता है, इनका स्टैंड क्या है कि वहाँ जो फैसला अब सुनाया जाना है 17 नवंबर से पहले, क्या स्वामी जी आपके ख्याल से आपको क्या लगता है कि फैसला कैसा फैसला आने वाला है? सबसे पहले तो आपको मैं अभिनंदन सभी को दूं जी कि एकदम रामलला, हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हमारा नारा हम वर्षों से बोलते आ रहे हैं और वो दिन अब आ गया है कि तैयार रहो सारे लोग, आ रहे हैं धनुषधारी। ये कह के अब हम कहते हैं कि दिसंबर में तो हम लोग मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा वहाँ। इस प्रकार से मैं संत समिति की ओर से और विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडलों के नाते केंद्र के हिसाब से मैं आपको ये पहले बोल दूँ। देखिए, आपने 40 दिन बताया, 40 दिन तो ये अभी चल रहा है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि पूरी दुनिया का ये पहला केस है और संभवतः तो अंतिम भी होगा कि पूरी दुनिया में एक ऐसा है कि 540 वर्षों का ये केस है जी। मुगलों के समय से ये 540 वर्षों का केस है और इतने दिनों से चल रही है, 70 साल से, 69 ईयर से ये चल रहा है। तो चल रहा है, जो आज के पहले बोलते थे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और जब भी बोला जाता था, पूछा जाता है हमारे से कि तारीख तो बताएं कि कब करेंगे, तो अब हम तारीख में अभी अधिकृत तौर पे घोषणा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि माननीय कोर्ट के ये बिल्कुल ये पक्ष के समय जो आ गया है अभी ये निर्णय का समय, इसलिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोर्ट का एक सकारात्मक निर्णय हम सबों के बीच आने वाला है। और हर्ष के साथ, सभी लोग को हर्ष होना चाहिए कि धनुषधारी आ रहे हैं, मंदिर निर्माण वहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि देखिए, सुन्नी वर्क बोर्ड ने भी एक बहुत अच्छा दृष्टांत प्रस्तुत किया है कि एकता, हमारे देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए उनको हम साधुवाद देते हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को, कि उन्होंने अपना जो केस दिया था उन्होंने अपना वापस रख लिया है। और उतना ही नहीं, देखिए ऐसे ऐसे लोग करते हैं कि ये हिंदुओं की आन बान शान, और हिंदू नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाले, आप किसी भी पक्ष के हों, कोई भी हों, हिंदुस्तानी हैं, आपके पूर्वज सभी हिंदू थे, आपको ये स्मरण रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम सभी, चाहे किसी धर्म को मानने वाले हैं, ये भारतवर्ष की आन बान शान की बात है। पुरुषोत्तम मर्यादा भगवान श्री रामचंद्र जी, यानी श्री रामलला का जन्म स्थान ही है वो। अरे बीच में आ गए ये औरंगजेब और बाबरी, ये तो लज्जा की बात है, ये तो भारत को लूटने आए थे, और भारत को लूटने आए थे तो हमें लूटने नहीं, या हिंदुओं को लूटने नहीं आए, हिंदुस्तानियों को लूटने आए थे। और जब हिंदुस्तानी लूटने आए तो वहाँ हिंदू भी थे, वहाँ मुसलमान थे। ये हम सबों की आन की बात है कि जितने भी हिंदुस्तानी हैं सभी को एक पक्ष होकर मुख्य धारा में आके श्री राम मंदिर का निर्माण के लिए सभी को एक कार्य में जुट जाना चाहिए। और आज वो समय आ गया है। ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहुत बड़ा, मैं बार बार उनको साधुवाद आपके माध्यम से देना चाह रहा हूँ कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने केस अपना वापस ले लिया है, जैसी चर्चा अभी हो रही है, लेकिन बिल्कुल अधिकृत है, सारे चैनलों में दिखाए जा रहे हैं, ये न्यूज़ चैनल्स में आ रहे हैं, और इस प्रकार की पहले बातें की जा रही थी कि हमेशा मुसलमानों ने भी, मुसलमानों की तरफ से भी ऐसा दृष्टांत बहुत बार देखा गया, जहाँ भी हिंदुस्तान की एकता और अखंडता की बात आती है तो सभी लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के दिया है, और हमारी पहचान है अनेकता में एकता। पुनः ये होने जा रहा है और केस समाप्त हो जाएगा, 17 नवंबर के पहले सुनवाई होगी। आज इतने दिनों के बाद, 40 दिनों के बाद, ये कंप्लीट रूप से कह सकते हैं कि आज उनका जो भी जो कार्रवाई थी, कार्रवाई की, कोर्ट का निर्णय की अब हम लोग प्रतीक्षा में है। लेकिन मैं पुनः बता रहा हूँ, किसी भी दृष्टिकोण पे अब मंदिर वहीं बनेगा, संभवतः दिसंबर में ये खुशखबरी सबों को मिलेगी। जय श्री राम। पुनः आप सभी लोगों को अभिनंदन। स्वामी जी, मैं रोकना चाहूँगा थोड़ा आपको, यहाँ एक सवाल लेना चाहूँगा मैं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इतनी बड़ी सुनवाई चल रही है और नतीजे भी आ जाएंगे, धारा 370 कश्मीर में ख़त्म किया गया और अब ये राम मंदिर पर फैसला, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की? इसका उत्तर तो मैं जानना चाहूँगा, जो जिन्होंने 70 साल तक राज किया, कितने सरल ढंग से हमारे गृह मंत्री महोदय ने जो बताया कि ये अस्थायी रूप से, क्या आज के 70 साल तक किसी को पहले ये ज्ञात नहीं था
या वो कानून नहीं जानते थे या भारत का उत्थान नहीं चाहते थे, जिन्होंने आते ही कुछ महीनों के अंदर, चंद दिनों के अंदर ये करके दिखाया। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, तो इतिहास इन्होंने बदल दिया है। मुझे जनता पार्टी, मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई वास्ता नहीं रखता हूँ, किंतु वैसी पार्टी जो हिंदुओं के हित में काम करे, हिंदुस्तान के हित में काम करे, हिंदू की आन बान शान की बात करे, वो उस पार्टी को सभी को सराहना करनी चाहिए। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राज में इन्होंने ये कई इस प्रकार के बड़े कार्य किए हैं, और श्री राम मंदिर का भी फैसला होने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, और बस देश के लिए है। और अब तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र की, हम तो हिंदू राष्ट्र की ओर हम कदम बढ़ा चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र भी होके रहेगा। जय श्री राम। स्वामी जी, आखिरी सवाल एक लेना चाहेंगे कि जो फैसला आएंगे, आपके ख्याल से क्या लगता है कि वहाँ जो साधु संत हैं, जो मौलवी हैं, इस फैसले को स्वीकार करेंगे और कोई अप्रिय घटना ना घटे पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अप्रिय घटना घटाने के लिए तो कुछ लोग समाज में बैठे ही हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है हमारे पक्ष से, तो हम तो अपने सहिष्णुता का परिचय पिछले 40 वर्षों नहीं 540 वर्षों से हम देते आ रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है, हम बार बार हिंदू बहुत सहिष्णु हैं, होते रहे। अभी घटना लीजिए ना, अगर एक राफेल के नीचे दो नींबू रखा जाता है तो लोगों को पेट में और सिर में दर्द होने लग जाता है। अभी चार लोगों की हत्या कर दी गई इस प्रकार से बंगाल में, सारी सभाओं की बोलती बंद है। तो हिंदू हमेशा सहिष्णु रहा है, सहता आया है। अब इसके बाद अप्रिय घटना घटेगी तो सरकार, मुझे तो लग रहा है अभी बहुत सक्षम है, सरकार निपट लेगी। और रहने की बात क्या है, जब हम लोग वो मस्जिद को जब वहाँ ढहा गया था तो भी ऐसी कोई बात नहीं, इस प्रकार की घटना भगवान न करे घटे, सभी को भगवान सद्बुद्धि दे, और दूसरे पक्ष के लोग भी अपने साथ में आ गए हैं, तो ऐसी कोई घटना घटनी तो नहीं चाहिए। और उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार के कोई कदम उठाते हैं तो मैं समझता हूँ सरकार बहुत अभी सक्षम है। अब तो घर में घुसने की बात आ गई ना, अभी ये सरकार जो है, पहले तो हम कहते थे एक गाल में मारो तो दूसरा गाल भी दे दो, हम यही पढ़ते आए हैं, यही करते आ रहे थे, अब तो आ गया वो भाषा समझने वाले हैं ही नहीं। अब तो घर में घुसकर, समझ रहे हैं मेरी बात, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ, तो अब घर में घुसने की बात आ गई है। आए आता था ही, उनसे भी निपटा जाएगा, देखा जाएगा। श्री रामचंद्र जी अब आए हैं और तो ये तो अन्याय का नाश करने के लिए इनका प्रादुर्भाव हुआ था, आज पुनः राम फिर आ रहे हैं, और घर घर में राम आएंगे। अब वो अफजल घर में पैदा नहीं होगा, वो समय चला गया, घर घर से राम निकलेंगे। तो धन्यवाद स्वामी जी, स्वामी दिव्यानंद जी थे, विश्व हिंदू परिषद से नाता रखते हैं, और जाहिर तौर पर, साफ तौर पर इन्होंने कह दिया कि राम मंदिर का निर्माण होना लगभग तय है, होना अब इसमें कोई किंतु परंतु ना रह गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी अब कुछ दिनों में फैसले आ जाएंगे, और जाहिर तौर पर जो दावे किए जा रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना घटने की, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो भी, क्योंकि फैसला जो भी सुनी वक्फ बोर्ड ने भी जो चैलेंजिंग किया था उन्हें वापस ले लिया गया है उनकी ओर से, और जाहिर तौर से होना भी चाहिए। जो जितने भी साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, उसको देखते हुए लगभग 40 दिनों तक बहस चली, और उस पर फैसले सुप्रीम कोर्ट जो देंगी उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। सनमार्ग लाइव के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।